हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम तीनों जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर भैरवगढ़ी, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं बॉर्डर के टॉप पे है और काफ़ी दूर है। वो करीबन 3 किलोमीटर के आसपास ट्रैकिंग होगी वहाँ, और ऊपर काफ़ी बढ़िया मंदिर, इतना फर्स्ट क्लास मंदिर है ना, वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। बढ़िया सा एकदम वहाँ जाके सुकून मिलता है काफ़ी। तो यहाँ से अभी हम तीनों निकल रहे हैं, टाइम 7:30 हो गया, तो जल्दी जाता है क्योंकि गर्मी भी होगी ना, ऊपर चढ़ाई है काफ़ी। तो दिखाते हैं आपको पूरा। ये पानी से हम हाथ पाऊँ और पानी वानी पीने के लिए सही है। देखते हैं, एक बोतल और ले जाएंगे पंडोखल से, क्योंकि वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पंडोखल पे, और पंडोखल में ये बड़ा सा गेट है मंदिर का। तो ये है काल भैरव का मंदिर। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे। हाँ बैठे बैठे तो जा रहा क्या वो हमारे तो काल भैरव के मंदिर से हम पूजा वगैरह करके अब जा रहे हैं ऊपर भैरवगढ़ी को। खड़ी चढ़ाई है एकदम, 2-2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग। तो यह है पांडवखल। पांडवखल के इधर साइड को लग जाता है गढ़वाल, और इधर साइड को लग जाता है कुमाऊँ। इधर चमोली डिस्ट्रिक्ट और इधर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसी के ये पांडवखल सीधे टॉप में है भैरवगढ़ी का मंदिर। काफ़ी बड़ा मंदिर है और रास्ता भी सीसी मार्ग है, काफ़ी अच्छा मंदिर। अब ऊपर जाके मैं दिखाऊंगा आपको। हम सभी लोग अभी देखो जा रहे हैं हम तीनों, और वहाँ आजकल वैसे भी शादी वादी का सीज़न है, तो मेरे लग रहा है वहाँ काफ़ी सारे गए होंगे, तो देख के ही पता चलेगा वहाँ कितने लोग गए हैं आज। एक बार तो आग लग गई है इन जंगलों में पूरा, और अभी और ये पिरुल गिर गया है। तो हम आधे रास्ते में आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है, पता नहीं किसी की पूजा आ रखी है यहाँ पे। इसका नाम है 35 हैंड। तो जमुने से आई है यहाँ पे पूजा। आजकल आज मंगलवार भी है, तो पूजा का सीज़न भी है, होना ही नहीं। बराते बरातों का भी सीज़न है, पूजा का भी सीज़न है, सीजन स्टार्ट है। लगभग खत्म होने वाली हो गई, हो ही गई है बरात खत्म, पूजा स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से दिख रहा है वो चकुटिया, पर आग लगी है तो धुंध से दिख नहीं रहा साफ साफ। पहले पूजा वगैरह पूरा ऊपर ही होती थी भैरवगढ़ी, बट अब पानी की यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, तो यहाँ पे ये जो घर घर पेयजल वाला, हर घर पानी वाला है, तो यहाँ पे इसकी टंकी बनी हुई है। तो यहाँ पे लोगों ने ऐसे घर 3 टाइप का बना रखा, जहाँ पे लोग खाना वाना बना सके बरसातों में भी, और बैठ भी सके। तो सब पूजा वगैरह यहीं पे होती है, तो ये भी सही बना रखा है। और ये है टंकी, यहीं से सबको पानी आता है इधर नीचे को। और वहाँ है मंदिर वहाँ पे, यहाँ पे टॉप में, और हिरन की जैसी आवाज़ भी आ रही है, काखड़ की जैसी वहाँ कर रहा है क्वां क्वां, देखना वो। एक टंकी ये है और एक टंकी है सामने वहाँ पे हो रही, और पूरा जंगल सब जल गया है और एकदम काला काला हो रखा सब जगह। अब थोड़ी बरसात होगी ना, उसके बाद पूरी हरियाली छाएगी। एक छोटा सा मंदिर ऐसे इसमें भी है, ये देखिए, यहाँ पर भी जलाते हैं अगरबत्ती वगैरह। गुफा टाइप की है पूरा। तो भैरवगढ़ी जाते टाइम आपको रास्ते में ऐसे 3-4 मंदिर मिल जाएंगे। अभी एक और है ऊपर, और हम भी आधा रास्ता हमने पूरा कर लिया है, और आधा और है अभी।
पीछे व्यू तो काफ़ी सही आ रहा था, बट थोड़ा धुंध ने बेकार कर दिया पूरा। वो है सामने रंगचौड़ा गांव, पूरा वो रंगचौड़ा है, और इधर साइड को उधर मौन गिर है, वो भी कुमाऊँ में आता है। इधर को कुमाऊँ हो गया, उधर साइड को गढ़वाल हो गया, और हम उस फील्ड में मैच खेलते थे कभी किसी टाइम पे। चौखाने सैन है, वो टावर भी लगे हुए हैं वहाँ, बहुत मैच खेले हमने वहाँ। तो अभी हम टॉप में आ गए हैं, तो ये देखिए इतनी दूर बैठने की ऐसी व्यवस्था भी कर बना रखी है। तो ये बना रखा है सौजन्य से श्री गजेंद्र सिंह ने की, सदस्य जिला पंचायत खेड़ा अल्मोड़ा। तो सभी को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितनी दूर देखे, कितनी दूर आ गए हम पांडुहाल से, वो नीचे रहा पांडुहाल, इतने रास्ते में सभी के बैठने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और ऊपर को भी मिलेंगे, ऊपर में भी लगा रखा है, और एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे भी है। ये देखिए केले वेले सब चढ़ा रखे हैं यहाँ पे, तो दो यहाँ पे भी लगा रखे हैं, रास्ते में लगे लगे हैं। देखो पूरा जंगल कैसा हो रखा, देखो जल जल के पूरा राख, पेड़ भी काले हो गए हैं, सब कुछ ही काला हो गया है। तो इधर है नीचे एक कुआं है, पहले इधर जब पूजा वूजा आती थी ना, तो ये कुआं फुल भरा रहता था पानी से, और यहीं से पानी की पूर्ति हो जाती सभी जगह। अभी नीचे हर टाइम जाएंगे उस हम कुएं में, तो अब तो उसमें पानी भी नहीं है काफ़ी साल से, न उसमें पानी है ना कुछ है, तो पूजा से चक्कर में नीचे होती है। तो हम पहुँच चुके गेट पे, और वो रहा ऊपर मंदिर। तो काफ़ी चलने के बाद हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपनी, और कितना अच्छा कितना प्यारा व्यू भी है और सुकून भी है। जय भैरव बाबा की, भैरवनाथ स्वामी। और यहाँ भी लगे हैं ये स्टूल वगैरह, ये पहले पंचायत घर बोल सकते हैं इसको, और यहाँ सारे जो बर्तन वर्तन हैं सब यहीं रहते हैं। फिर अभिवरण क्या भांडकुंड, भांडकुंड अभिवरण है। तो अभी भी उसके अंदर पंचायत घर के अंदर बर्तन वगैरह जो पंचायत का होते सब हैं, और इस पेड़ के नीचे होती थी पहले पूजा, पानी वानी लाल लुक है, यहीं पे सब बकरा वकरा, बकरा तो ऊपर करता था, फिर खाना वाना सब यहीं पे बनता था। तो हमको हमारे मित्र भी मिले, देखिए क्या कहाँ जा रहे, चलो ये भी काफ़ी ऊपर ट्रैकिंग करके आ गया, पता नहीं किस चक्कर में आया। बोलते ना आप कहीं भी अगर ट्रैकिंग पे जाओ तो आपके साथ एक जो ये है भगवान का रूप है, ये आपके साथ चलेगा ही चलेगा। तो ये हमारे साथ अभी चले तो नहीं, पर हमको यहाँ पे मिले, शायद एक इन लोगों के साथ आए होंगे, होगा यहाँ। और आग ने पूरा काम खराब कर रखा है। और ये है मंदिर भैरव बाबा का, तो यहीं पे हम अपने जूते वूते उतार देंगे, खबर डाल देते हैं। और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, देखो तो हल्के से हाथ वगैरह धो के। भैरवनाथ स्वामी की जय। यहाँ बकरी भी आ रखी है, कितना बढ़िया सा मंदिर है देखो। और इधर साइड का खंसर घाटी, इधर को है कुमाऊँ घाटी, उधर का है गढ़वाल घाटी, और इन घाटियों के बीच में है हमारे भैरव बाबा का मंदिर। तो सबसे टॉप में है ये मंदिर, देखिए आपको यहाँ सब कुछ पहाड़ देते हुए सब नीचे ही दिखेंगे इससे। हम लोग भी अभी यहाँ पूजा पाठ चल रही है लोगों की, तो हम अभी उनकी जब पूजा पाठ ख़त्म होगी तब हम जाएंगे मंदिर के अंदर, तब तक हम भी थोड़ा बैठ जाते हैं। तो, तुम्हारे हैं।
ये अंदर से है मंदिर पूरा, भैरव बाबा की आरती भी यहाँ पे। तो पूजा पाठ हमने कर लिए है, पंडित जी उन्हीं के थे, जो जमने वाले आरखे उन्हीं के पंडित जी थे। तो पूजा पाठ करके अब हम बैठे हैं यहाँ पे, हम खाएंगे केले वगैरह, फिर थोड़ी देर में चल देंगे यहाँ से। बस यहाँ आके ऐसा है कि बड़ा सुकून मिलता है हर मंदिर में जाके। तो मंदिर से नीचे आके हम ये जो पंचायत घर है इसके पीछे साइड गुजार रहे हैं, बैक साइड को, इधर साइड को ना पहले गोरखा लोग रहते थे। ये घास जमने लग गया, चलो हम लोग खा रहे हैं केले मंदिर से आने के बाद। अभी जा रहे हैं हम कुएं की तरफ, मंदिर से आके दिखाता हूँ मैं आपको कुआं, जहाँ पहले पानी ले आते थे, मतलब वहाँ पहले इतना पूरा भरा जाता था उसमें पानी। हम पहुँच गए कुएं के वहाँ पे, देखो ये देखो हम यहाँ बोल रहे हैं तो आवाज़ गूंज रही है, ओम नमः शिवाय। 500 रुपया नोट, ये देखिए पहले पानी यहाँ था ना फुल यहाँ तक भरा रहता था, यहाँ नीचे नीचे तक यहाँ पर तक पूरा पानी भरा रहता था, अब देखिए पूरा सूख गया है। जय भाग ना सिकन यार भाई, घंटी और ये बाल्टी भी लगा रहते थे चैन, पानी बाल्टी यहाँ डाल के फिर चैन से खींचते थे इसको। मीठा मेवा, चलो यार भगवान। तो पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत अंतर है। बैक टू पांडवखाल आ चुके हैं हम, मंदिर से आके पांडवखाल में आ गए हम। इधर खाएंगे हम छोले समोसे, थोड़ा चाय पानी, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया है, तो अब खाएंगे। अज्जू कहाँ गए रे? यहाँ खाएंगे हम छोले समोसे राजू भाई की दुकान में। क्यों भाई छोला? वहाँ से आने के बाद अब हमने पांडवखाल से सामान वामान ले लिया है घर के लिए, और यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार।